Tune into Sports 360 with Hamad Siddiqui. I've just launched my YouTube channel, which is Sports 360 with Hamad Siddiqui. And today we have with us is former Pakistan cricket captain Amir Sohail and the chief selector as well. Amir bhai, aapko apne program mein Sports 360 mein welcome karte hain. बहुत बहुत शुक्रिया. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के टूर पे है और जैसा कि आपको पता ही है कि 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20s खेले जाएंगे. तो एक तो पाकिस्तान की क्या चांसेस हैं 3 टेस्ट मैचेस में, और उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्ट की गई है, क्या आप समझते हैं कि बेहतरीन ऑप्शन था ये, या इसमें मजीद कोई और चेंजेस की जा सकती थी? आई थिंक मैंने इसका पहले भी जिक्र किया कि आपको जो है बैटिंग ऑलराउंडर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन योर लाइनअप. और उसमें अगर आप देखें कि आप अगर आप 4 बॉलर खिलाते हैं, 90 ओवर्स आपने करने होते हैं, एक फास्ट बॉलर आपने रखा होता है जो 20-22 ओवर करता है, स्पिनर से आप 24-25 ओवर कराते हैं, फिर टेयर अवे फास्ट बॉलर जो है तो जोर लगा के बॉल करने वाले, आप उनको 15-18 ओवर जो है वो सोचते हैं. तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए बॉलिंग की जो आपको जो रिमाइंडर ऑफ ओवर्स है वो पूरे करके दें और वो प्रेशर क्रिएट रखे. अगर विकेट नहीं मिलती तो वो रन रोक के रखे ताकि दूसरी तरफ से अटैक करते रहे. तो इफ्तिखार एक अच्छी ऑप्शन थी जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि उनको इन्होंने ड्रॉप किया. उनको रखा जा सकता था. उसकी रीजन ये थी कि अगर आपने चेज को देखा हो, वेस्ट इंडीज के ऑफ स्पिनर को, इतने वो प्रोलिफिक आपको इतने डेंजरस किस्म के बॉलर तो है नहीं, लेकिन उन्होंने भी वहां पे विकेटें हासिल की. तो अगर उनको रख लिया जाता एज एन ऑफ स्पिनर, और ये भी अगर आपको नजर आ रहा है और रिकॉर्ड भी बताता है कि इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं वो ऑफ स्पिनर के खिलाफ लेटली नहीं, काफी अरसे से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो वो बेहतर होता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ. अब यह है कि लेट्स होप ये जितने भी लोग इनके पास हैं उनसे ये अच्छा काम लेने की कोशिश करें. और जहां तक आपने पूछा कि हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, देखिए उसका सिंपल सा आंसर है. अगर आप इंग्लिश टीम को देखें तो उनकी बॉलिंग लाइनअप जो है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है. दो बंदों की वजह से, एक एंडरसन और दूसरे ब्रॉन, और दोनों की मेरा ख्याल है 1000 के करीब विकेटें हो चली हैं, 1000 से ज्यादा हो चुकी हैं. जोफ्रा आर्चर वो इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे भी फास्ट बॉलर्स काफी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं. वैसे इनके ऑफ स्पिनर हैं, अभी वो नए नए आए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वहां पे है. और अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस है. आपने काफी अरसे से शान मसूद को टीम के साथ रखा हुआ है. उसके बाद अगर आप आबिद अली की बात करें, ठीक है अभी वो नए नए क्रिकेट में आए हैं, लेकिन उनको काफी अरसा हो गया पाकिस्तान के लिए कंसिस्टेंटली खेलते हुए. अजहर अली, असद शफीक और लड़कों के नाम लें, बाबर आजम, ये बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं. सो अगर ये उस एक्सपीरियंस बॉलिंग का मुकाबला अच्छे तरीके से करते हैं, रन ऑन द बोर्ड करते हैं, तो हमारी जो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है जो अभी जो है वो गुर सीख रही है, उनके लिए एक क्वेश्चन पैदा हो जाएगा कि वो दलेरी से आके बॉल करेंगे. अगर छोटे टोटल पे टीम आउट होती है तो बॉलर्स जो है वो हर गेंद के ऊपर ट्राई करने की कोशिश शुरू कर देते हैं और उसमें मार भी पड़ती है. तो आई थिंक अगर पाकिस्तान के बैट्समैन अच्छा करते हैं तो फिर तो सीरीज तगड़े होने के बहुत जबरदस्त चांसेस हैं. राइट, लॉन्गर फॉर्मेट है आमिर भाई. ओपनर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान की इस टीम में 3 ओपनर्स हैं जिसमें शान मसूद, आबिद अली और इमामुल हक. राइट लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन हमेशा से रखा जाता है कि ऑपोजिशन का जो बॉलर है अगर राइट हैंड तो उसको लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बॉल करते हुए हमेशा दिक्कत होती है. तो आपके ख्याल में क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, शान मसूद इमामुल हक या शान मसूद आबिद अली? देखिए आई थिंक जितना एक्सपीरियंस बॉलर्स के पास है, ठीक है कई दफा यह है कि जब बॉलर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उससे जो है वो लाइन कंट्रोल नहीं होती. लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस लेवल के ऊपर आपको रोज रोज लेफ्ट और राइट को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, ये वनडे क्रिकेट तो है नहीं, ये टेस्ट मैचेस हैं, तो वो तो फिर आप फिर इस लेवल के ऊपर खेलने के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है. जहां पे दो लेफ्ट हैंडर खेले हैं वहां पे भी बॉलर्स ने भी अच्छा किया हुआ है, बैट्समैन ने भी अच्छा किया हुआ है. लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कर ले, वहां बॉलर्स ने भी अच्छा किया हुआ है, बैट्समैन ने भी अच्छा किया हुआ है. सो दोनों राइट हैंड को कर लें, वहां पे भी आपको यही रिजल्ट नजर आएंगे, मिक्स किस्म के रिजल्ट नजर आएंगे. सो
इस लेवल के ऊपर आपने एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप सही तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं तो बॉलर्स को मेरा ख्याल इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। सिर्फ ये है कि एंगल का थोड़ा सा चेंज करना होता है, उसमें कंट्रोल आने की जरूरत है। तो आपके ख्याल में आमिर भाई खिलाते आ रहे हैं, अगर आप आबिद अली को खिलाते आ रहे हैं तो आपको उनके साथ स्टिक करना पड़ेगा। अगर अगर आप उनका उनको अगर एक दो फेलियर्स के बाद आप बाहर कर देते हैं तो ये तो कॉन्फिडेंस शेक करने वाली बात है ना। अब आप देखें आपके पास एक कोचेस की फौज गई हुई है, तो ये भी उनका अल्टीमेट टेस्ट होगा कि वो अब प्लेयरों को क्या बता के अंदर भेजते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बॉलर जो है इसकी स्ट्रेंथ ये है, इसके खिलाफ आपने ये वाली शॉट जो है ये ड्रेसिंग रूम में छोड़ के जानी, ये नहीं मारने, ये करना। तो आई थिंक ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद को काफी अरसा हो गया पाकिस्तान टीम, अब उनको बजाय ये कि गेंद छोड़ना और विकेट के ऊपर खड़े रहना है, अब उनको थोड़ा सा बॉलर्स को टेक ऑन भी करना है, ताकि ये नहीं है कि आप बॉलर्स को रोके जा रहे हैं या छोड़ते जा रहे हैं, वो प्रेशर में ना आए। आपने ऑपोजिशन को प्रेशर में भी लेके आना है, तभी प्रेशर में लेके आएंगे जब आप उनके खिलाफ स्कोर करना शुरू करेंगे, उनको चौके मारना शुरू करेंगे। और जब आप चौके मारते हैं तो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है, वो कहते हैं यार ये तो आराम से खेल रहा है, ये तो कोई मसला नहीं है। जब आप गेंद छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वो ड्रेसिंग रूम में हमेशा से नर्वसनेस रहती है। सो आई थिंक अब इतना पाकिस्तान ने इन्वेस्ट कर लिया शान मसूद के ऊपर, नाउ ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, और स्ट्राइक रेट भी बड़ा मैटर करता है, जैसे अभी आपने कहा कि चौके मारने चाहिए। अगर आप 90 ओवर्स अ डे खेल रहे हैं और रन ऑन द बोर्ड नहीं है, लेट्स से 300 के करीब टोटल नहीं है, 300 से प्लस नहीं है, क्योंकि हमने देखा है मुखालिफ टीमें जो हैं वो अराउंड 300-350, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये बड़ा तेज खेलते हैं, तो क्या हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी कैपेबल है कि वो इस रन रेट को मैच कर पाएगी? देखिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट का फॉर्मूला है वो आपको यही नजर आता है, जो टीमें तेजी से स्कोर करती हैं उसका मतलब ये होता है कि अगर वो एक दिन में 350 स्कोर करते हैं। देखिए जिस तरह पॉजिटिविटी ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट लेके आए हैं, वो रिफ्लेक्शन आपको टेस्ट मैचेस में नजर आ रही है। 350 तो ये एवरेज है, लेकिन कई टीमें तो 400 के करीब भी पहुंच रही हैं। अब आप जब ये काम कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आप बॉलर्स को इनफ टाइम दे रहे हैं कि वो 20 विकेटें हासिल करें, जो ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा। और देखिये पाकिस्तान काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, और उसकी ये वजह है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में इस चीज का ध्यान नहीं देते। तो लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिवली खेलता है तो फिर जो है ऑपोजिशन के भी जो प्लान्स हैं वो थोड़े से डिसरप्ट होते हैं। अगर आप रोके जाएंगे, वो भी कप्तान भी है खड़ा हुआ कि हाँ यार रन तो हो नहीं रहे, ठीक है प्रेशर तो हमारे पास आ नहीं रहा, इतनी देर रोके जा रहा है, कहीं ना कहीं ट्राई करने में आउट होगा, तो हम जो गेम के अंदर है, वी आर नेवर आउट ऑफ द गेम। सो इस चीज को थोड़ा सा अनसेटल करने के लिए पाकिस्तान के बैट्समैन को थोड़ा सा अब पॉजिटिव खेलना चाहिए मेरे ख्याल में। राइट, आमिर भाई दूसरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को इमामुल हक, आबिद अली और शान मसूद तीनों को खिलाना चाहिए, या अजहर अली जो कि कैप्टन है वो वन डाउन आए और बाबर अली नंबर 4 पे आए? देखिए कई दफा ये होता है कि अगर आप ओपनर को जरा थोड़े से नीचे नंबर पे डालते हैं, ठीक है ओपनर ने पैड किए और उसने अंदर चले जाना है, उसके पास इतना ज्यादा जो है उसने सोचना नहीं है, उसने सिर्फ दो चार चीजें जो है उसका सोचना है और उसके बाद उसने अंदर चला जाना, और उसको ये आदत है। जब आप ओपनर को बहुत लंबा बार अगर बैठना पड़ जाए तो दिमाग में अजीबोगरीब किस्म की जो है वो चीजें चलने शुरू हो जाती है। तो अगर आपने इमाम का आपने कमबैक कराना है तो उनको ओपनिंग स्लॉट के ऊपर ही सोचें। देखिए आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन काफी ज्यादा मौजूद हैं, आप उनको ट्राई करें। आप फवाद आलम को लेके गए, अगर आप उनको लेके गए हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि ही इज गुड इनफ टू प्ले फॉर पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप उसको लेके गए और नहीं खिला रहे उनके नंबर के ऊपर जो उनका छठा नंबर है, तो किसी और को खिला देते हैं, इसका मतलब है कि ये आप खाना पूरी करने के लिए उसकी सिलेक्शन करके लेके गए, तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका जो थिंक टैंक है उसके ऊपर कि ये कर क्या रहे।
बिल्कुल, अब आपने फवाद आलम की बात कर दी है, तो क्या पाकिस्तान 6 बैट्समैन के साथ जा रहा है? क्योंकि नंबर 3 पे अगर अजहर अली है, नंबर 4 पे बाबर आजम है, और नंबर 5 पे असद शफीक है, तो क्या 6ठे नंबर का बैट्समैन भी होगा या कोई ऑलराउंडर हम लेकर रखेंगे इसमें, जिसमें फहीम अशरफ भी वहीं पे? जो मुझे जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि लेग स्पिनर 2 खिलाने का सोचा जा रहा है। 2 लेग स्पिनर खिलाने का सोचा जा रहा है, 3 फास्ट बॉलर। और उसकी यही वजह है कि चूंकि आपने कोई बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप नहीं किया, तो 5 अब नसीम और इनको आप खिलाते हैं तो देर इज ऑलवेज अ डेंजर कि खुदा ना खास्ता इनमें से कोई जो है वो इंजर ना हो जाए या कोई इंजरी ऐसी आ जाए हल्की फुल्की, लेकिन उसके एग्रीवेट होने के चांसेस जो हो जाए, तो फिर आपके पास बॉलिंग में ऑप्शंस होनी चाहिए। हमारे पास वो वाली नहीं है। आप देखें सिलेक्शन आपने जो की, जो मैं इफ्तिखार की बात कर रहा था, ये आपको सोचना था। अब अगर आपके पास 5वीं ऑप्शन अगर आपने रखनी है तो फवाद आलम को क्यों लेके गए हैं? वो भी तो बॉलिंग कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं आप उसको खिलाते हैं? काशिफ भट्टी भी है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। तो आपने आपने सोचना है, लेकिन वही आ गया ना, वो मेनली बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, आपने बैटिंग ऑलराउंडर ढूंढे है ना, वो ये आपके आपका सिलेक्शन का डायलेमा यही है कि अभी तक आपको ये नहीं पता कि भाई आप आपका जो विनिंग फॉर्मूला जो बाकी टीमें खेलती हैं वो किस तरह जीतती हैं। पॉजिटिव माइंडसेट बेसिकली, नेगेटिव नहीं होते, और हमारे कॉम्बिनेशन ये बाकी पॉजिटिविटी और ये वो बात की बातें। अच्छा, बॉलिंग के बॉलिंग से पहले विकेट कीपर की चॉइस है, रिजवान टीम के साथ हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, सेंचुरीज भी स्कोर की, अभी सरफराज को साथ लेकर गए हैं, अंडर 19 के कैप्टन रोहेल नजीर भी टीम के साथ थे जिनको वापस भेज दिया गया। कौन होगा फर्स्ट चॉइस, रिजवान या सरफराज? मेरी पर्सनल चॉइस तो सरफराज है, लेकिन रिजवान को चांस देंगे, डेफिनेटली चांस देंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं जिस वजह से सरफराज को प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंग्लैंड में पहले भी खेले, ठीक है, उन्होंने स्कोर किए हैं, अभी भी स्कोर कर रहा है, और मैं दुआगो हूँ रिजवान के लिए, इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, कि वो यहाँ पे भी रन करे। अब उनको 6ठे नंबर पे खिलाया जा रहा है इस सीरीज में, सो अब देखना है कि वो अगर तो वो वाली कंडीशंस होती हैं जो टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस हैं जहाँ पे बॉल सीम एंड स्विंग करेगा, तो फिर उनका टेस्ट होगा, और इनके लिए ये वाली कंडीशंस शायद थोड़ी बहुत मुश्किलात लेके आए हैं, लेकिन लेट्स होप कि अगर उनको खिलाया जाता है तो वो करें पाकिस्तान के लिए अच्छा, अगर सरफराज को खिलाया जाता है तो वो सरफराज अच्छा करें। कंडीशंस वहाँ पे हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किल, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में अब तक सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेले गए, जिनमें से 2 इंग्लैंड ने, 1 पाकिस्तान ने और 1 ड्रॉ रहा, और जो 2 इंग्लैंड ने जीते हैं, 1 बाय ह्यूज मार्जिन ऑफ 330 रन और दूसरा बाय इनिंग्स मार्जिन, तो हमारी कोई बैटिंग वहाँ पे इतनी चली नहीं है अभी उन कंडीशन में। देखिए थोड़ी सी कंडीशन मेरा ख्याल है इस दफा जो है थोड़ी सी डिफरेंट होने के चांसेस इसलिए हैं, यस 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, लेकिन जो 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 अभी तक का जो बेस है पिचेस की वो इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हुई। आपने ये देखा कि पहले दिन जब मैचेस हुए हैं यहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तो गेंद ने स्पिन किया और उसके बाद ये पिच जो है वो बेहतर की तरफ होती रही और बाउंस देती रही कंसिस्टेंट। आपको ये आप देखें कि इस तरह जब आपकी विकेट जो है वो बैरन लुक दे रही हो और उसके बाद ऊपर से खुश्क हो, तो वो आखिरी दिनों में जाके डिटीरियरेट करती है गेंद जो है, वेयर एंड टियर आपको नजर आता है, गेंद ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बाउंस बेहतर हो रहा था, तो उसकी वजह यह है कि कॉम्पैक्ट जब नीचे से वो जो बेस है कॉम्पैक्ट होनी शुरू होती है तो पिच जो है वो डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देती है। सो आई थिंक लेट्स होप कि पाकिस्तानी जो थिंक टैंक है पिच को जो है वो अच्छे तरीके से रीड करे, क्योंकि घास वास तो है नहीं है जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही है, तो इसको आपको रीड करना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। घास की ना होने की वजह, आर दे स्केयर्ड ऑफ नसीम शाह और शाहीन शाह? देखिए स्केयर्ड तो नहीं मैं कह सकता, टेस्ट मैचेस में यूजुअली आप देखें बहुत कम आपको घास वाली विकेटें नजर आएंगी आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट, आपको नजर आता है कि यू नो हल्का सा जो है वो
हिंट ऑफ ग्रास होगा, लेकिन विकेटें जो हैं वो बाउंस कंसिस्टेंट देती हैं। वो पहले पहले दो दिन तीन दिन जो है जो बॉलर अच्छे बॉल करते हैं उनको परचेज मिलती है, बैट्समैन जो हैं अपने आप को अप्लाई करके पॉजिटिवली खेलते हैं उनको रन मिलते हैं, उसके बाद विकेट थोड़ी सी डिटीरियरेट होती है, स्पिनर्स इन एक्शन आ जाते हैं, इन गेम आ जाते हैं, उसके बाद जो लंबे कद वाले अच्छी लाइन पर गेंद मारते हैं उनका जब गेंद नीचे रहता है तो बैट्समैनों के लिए मुश्किल लेके आते हैं। तो ये तो ट्रेंड है पूरी दुनिया में। सो घास का ना होना मेरा नहीं ख्याल कि उनको डर है, लेकिन एक एक रिस्पेक्ट तो आपको अपोजिशन को देनी है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी आपके बड़े टैलेंटेड बॉलर हैं, और अब्बास और दूसरे जो हैं सुहेल खान बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नसीम शाह यू नो बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन बैट्समैन जो हैं अगर यही चीजें सोच के जब मैदान में आएंगे कि ओ बड़ा तेज है, ओ ये करता वो करता, फिर तो आप घर ही रह जाए ना, बड़ा ग्राउंड तो आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो वो आपने ये देखना है कि आप दूसरी टीम को नीचे किस तरह लगा सकते हैं। अच्छा आमिर भाई, पांचवें नंबर के बैटिंग तक हमने बात कर ली असद शफी, क्या आप देख रहे हैं कि फवाद आलम एज नंबर सिक्स बैट्समैन टीम में होंगे या नहीं? रिपोर्ट्स आ रही है, मेरा नहीं ख्याल, दो स्पिनर्स का सोचते हैं, सो लेट्स शादाब खान के चांसेस ज्यादा है नंबर सिक्स पे, राइट? उसके बाद तो ऑब्वियसली यासिर शाह आई थिंक विकेट कीपर आएंगे रिजवान, और नंबर सेवन के ऊपर शादाब आ जाएंगे, फिर यासिर शाह और फिर हमारे तीनों फास्ट बॉलर जिसमें मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह और शाहीन शाह। ये टीम फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए तकरीबन। अच्छा, अभी हमने बाबर आजम की बात क्योंकि इसलिए होल्ड रखा क्योंकि सारी दुनिया में को पता है कि ही इज अ क्लास प्लेयर और परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। गॉड फॉरबिड कि बाबर आजम फेल हो जाते हैं, तो क्या हमारी रेस्ट ऑफ द बैटिंग इतनी फॉर्मेडेबल है कि वो इंग्लैंड को टफ टाइम दे सके? देखिए, अजहर अली के पास सारा एक्सपीरियंस है, और मैं ये समझता हूँ कि असद शफीक जो है वो अनसंग हीरो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। उनकी अगर परफॉर्मेंसेस देखें, उन्होंने हर जगह पे परफॉर्म किया हुआ, हम उनको रेट ही नहीं करते। बैटिंग में आपकी डेप्थ है, अब आपने वही जिस तरह मैंने कहा कि उनको भी ये सोचना है कि मैंने जाके टीम के लिए किस तरह अंदर करना है, और आपके थिंक टैंक ने भी उनको बताना है कि कौन से बॉलर के खिलाफ आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर ये चीजें अच्छी तरह से कोहेरेंटली हो जाती हैं तो आई थिंक आपके चांसेस तो हैं। और बार देखें, बाबर आजम के ऊपर हमारा जो है एम्फेसिस जो है उसको हमें कम करने की जरूरत है। देखिए, वो डेवलप हो रहे हैं इनटू अ वेरी गुड क्रिकेटर। जब हम सारा कुछ ही उनके ऊपर डाल देंगे तो फिर प्रेशर भी उनके ऊपर बढ़ना शुरू होगा। अभी उनको गुर सीखने दें, अभी उनको जरा क्रिकेट एंजॉय करने दें, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तो साथ ले रहे हैं, उनको जरा खुला हाथ दें, इतना उनके ऊपर प्रेशर ना डालें कि वो जो है वो प्रेशर में दब ही जाए, उसको जरा अभी ब्रीथ करने दें। तो प्रेशर ना डालने की बात आपने की, तो क्या उनको T20 का अभी कैप्टन बनाना है, इज इट टू अर्ली? देखिये, वो तो अब हो गया, अब उसके ऊपर तो बात हो गई, ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं, अब वो बन चुके हैं, अब आपने उनको सपोर्ट करना है, हाउ to make him better, how to make sure that he meets success. अब ये नहीं कर सकते कि आपने उनको बना दिया और उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया, you know? उनको help की जरूरत है और हमें उनकी help करने की जरूरत है। और middle order में कितना पाकिस्तान miss करेगा हारिस सुहेल को? लेफ्ट आर्म स्पिन वो बड़ी हैंडी हो सकती थी, लेकिन वो आपको क्वेश्चन देते थे नंबर फिफ्थ बॉलर, ओके, तो आउट भी करके देते थे आपको, ये नहीं कि आउट नहीं करते थे। सो अब देखे ना, सिलेक्शन आप करके आ रहे हैं, आपने अगर आप फवाद आलम को नहीं खिला रहे, इसका मतलब यह है कि यू नेवर थॉट ऑफ हिम एज अ बॉल, ठीक है, ये सोच की बात है। आप उनको ये जो प्रैक्टिस मैचेस थे उसमें बॉल करवाते, उसके बाद इफ्तिखार अहमद है उनसे लंबे बॉल करवाते, ठीक है, वो लड़का बिलाल के क्या नाम है ऑफ स्पिनर है, उसको भी बुलाया जा सकता है। जब आपके पास एक चीज नजर आ रही है कि चेज के खिलाफ ये स्ट्रगल कर रहे हैं बैट्समैन, नेथन लॉयन के खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है और ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया हुआ है, तो उसको बुला लेते हैं,
लेकिन ये सारा कुछ बता रहा है कि होराइजन इतना ज्यादा वास्ट नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है. एनीवे लेट्स होप कि जो भी इन्होंने गलतियां की हैं उसका खामियाजा ना हो. इंग्लैंड की टीम को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज से खेल चुके हैं, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल नहीं खेली, इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस खेल कर आ रही है इस सीरीज में. देखिए उनका उनका रिदम तो आ गया है. देखिए उन्होंने सीरीज जीती और स्पेशली पहला टेस्ट मैच हारने के बाद वो दोनों टेस्ट मैच जीते हैं, और जिस तरह आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने जीता, बारिश हो रही है, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर ड्रेसिंग रूम में वापस जा रहे हैं, फिर ग्राउंड जा रहे हैं, और उस पर कंसिस्टेंटली विकेट लेना, यू नो दैट वाज समथिंग. सो ऑब्वियसली उनमें रिदम तो आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भी क्रिकेट खेल रहा है, रस्टी होंगे, नर्व्स होते हैं. आप इतने अरसे बाद जब इंटरनेशनल बड़ा मैच खेल रहे हो तो नर्व्स तो होते ही हैं, लेकिन यही कमाल है ना, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इतने अरसे से खेल रहे हैं, उन्होंने इसी चीज को ओवरकम करना होता है, और ये चीजों को ओवरकम करके उन्होंने परफॉर्म करना होता है. राइट. और इंग्लैंड की बॉलिंग बड़ी एक्सपीरियंस है, दोनों ब्रॉड और एंडरसन दोनों ने 500 से प्लस विकेट ली हुई है. इसके अलावा जोफ्रा आर्चर, इसमें हमने बात तो शुरू में कर ली है सबकी, ये यू नो सीजन इनका बॉलिंग अटैक है, और वो ऑब्वियसली और 3 टेस्ट मैच खेले हुए, दो दो एटलीस्ट सबने टेस्ट मैच खेले हुए. अगर आप देखें ब्रॉड पहले मैच में नहीं खेले, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस खेले, एंडरसन ने बीच वाला टेस्ट मैच मिस किया, जोफ्रा आर्चर ने भी बीच वाला टेस्ट मैच मिस किया, तो दो दो ऑलमोस्ट सबने मैचेस खेले हुए बॉलर्स ने जो उनके मेन बॉलर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनको फॉर्म तो थोड़ी बहुत उनको मिली हुई है, और उसके बाद और रिदम में आना शुरू हुए, तो ऑब्वियसली खतरनाक बॉलिंग अटैक तो है, लेकिन उसमें चीज यह है कि जिस तरह के मौसम है, जो जब वहां पे हमें पता लग रहा है कि वहां पे गर्म मौसम है, और गर्म मौसम हुआ और धूप निकली हुई, और गेंद अगर इनका स्विंग नहीं हुआ तो फिर इनके लिए भी मुश्किल होगी, इनको फिर मेहनत करके आउट करने पड़ेंगे. अब्बास की फॉर्म को क्या देखते हैं आप, क्या पेस कम हुई है या अभी भी वो उतने ही थ्रेट रखते हैं अब मोहम्मद अब्बास? देखिए पेस तो उनकी हल्की सी कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर गेंद सीन स्विंग नहीं करता तो वो किस माइंड सेट के साथ उनको यूज किया जाता है, क्या उनको ये कहा जाएगा कि आप रन्स रोके रखें, हम दूसरी तरफ से अटैक करेंगे, आप एज अ स्टॉक बॉलर बॉल करें, अगर इसमें हमें एक दो विकटें मिल जाती हैं तो वेल गुड इनफ, स्पेशली नए बॉल के ऊपर है, उसके बाद आपने होल्डिंग जॉब करना है, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा सारा कुछ पाकिस्तान की थिंक टैंक को कि उनका रोल क्या है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली दोनों तरफ से अटैक करते हैं तो बॉलर वेयर आउट कर जाते हैं बहुत जल्दी, तो इसीलिए फिर टीमें जो है लंबा स्कोर करते हैं, ओवर एक्साइट होकर आप हर गेंद के ऊपर जोर लगाना शुरू करते हैं. ये आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि पहले घंटे में आके पूरा जोर लगा दिया, और उसके बाद जब विकेट नहीं मिली तो वो जो आपका एंथुजियाज्म था वो ड्रॉप होना शुरू हो गया. सो आई थिंक आपको बड़ा सोच समझ के बॉल करने की जरूरत पड़ेगी. ऑलराइट, हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम आमिर सुहेल, और उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि क्या चांसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, और क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, बैट्समैन स्कोर करेंगे, प्लस बॉलर तो है ही हमारे अच्छे, तो एक अच्छी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि टेस्ट सीरीज जो कि 5 अगस्त से ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होगी, पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम. Tune into Sports 360 with Hamad Siddiqui.